हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है अब्दुल और आप देख रहे हैं टॉक विद अब्दुल यूट्यूब चैनल। आज की अपडेट भी बहुत बढ़िया है। कल दो वीडियो आई थी और आपका काफी सपोर्ट रहा, थैंक यू सो मच उसके लिए। और ऐसी अपडेट हम डेली रोजाना लेके आते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर देना ताकि नोटिफिकेशन आपको 6 बजे मिल जाएगा। तो RITES की तरफ से ये अपडेट है, पूरी बात वीडियो के अंदर करेंगे। तो इसी के साथ आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको बताऊंगा ताकि आपका यहां पे ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो। आपके काम की अगर वीडियो नहीं हो तो आप यहां पे छोड़ के जा सकते हो, लेकिन इस बात पे लाइक जरूर से कर देना। 2000 लाइक का टारगेट मैं रख रहा हूं। अब देखो ब्रांचेस यहां पे कौन सी एलिजिबल है, उससे पहले मैं आपको बताऊं तो यहां पे डिग्री वाले भी एलिजिबल है, डिप्लोमा वाले भी एलिजिबल है और ITI वाले भी एलिजिबल है। फाइनल ईयर यहां पे अप्लाई नहीं कर सकते, अगर आप ग्रेजुएट हो तो ही आप अप्लाई कर सकते हो। फाइनल ईयर वाले स्टूडेंट्स इस वीडियो को छोड़ सकते हैं, तो लेकिन यहां पे लाइक करके जाना, आपके लिए अपडेट्स तो आती रहती है। और अगर आगे बात करें तो कौन सी ब्रांचेस, तो वैसे ये जो अपडेट है RITES की तरफ से, ये यहां पे फुल टाइम अपडेट नहीं है, ये अप्रेंटिसशिप के अपडेट है। लेकिन अप्रेंटिसशिप में जो सैलरी होती है वो नहीं, लेकिन उससे काफी ज्यादा अच्छी सैलरी, मतलब उससे ज्यादा सैलरी प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर आप ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप में अप्लाई कर रहे हो तो आप यहां पे अगर मैकेनिकल, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रिकल से पास आउट किए हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे स्टाइपेंड आपको पर मंथ 14,000 मिल जाएगा। नंबर ऑफ वैकेंसीज यहाँ पे 7 रहेगी RITES के लिए, नंबर ऑफ वैकेंसीज यहाँ पे 7 रहेगी। उसके बाद डिप्लोमा अप्रेंटिसशिप में 12,000 यहाँ पे सैलरी मिल जाएगी, स्टाइपेंड मिल जाएगा। वही इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल एंड ऑटोमोबाइल, ऑटोमोबाइल की वैकेंसीज बहुत कम आती है, तो यार ऑटोमोबाइल वाले इसमें जरूर इंटरेस्ट ले सकते हैं। डिप्लोमा के लिए 30 वैकेंसीज है। और अगर आप ITI से बिलोंग करते हो तो आप यहाँ पे मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, ये दो डिसिप्लिन से अप्लाई कर सकते हो। 10,000 स्टाइपेंड मिल जाएगा और 63 वैकेंसीज इसमें है। ये एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है 14 जनवरी से और ये खत्म होगा 31 जनवरी, मतलब आपके पास यहां पे 12 से 13 दिन का टाइम है अगर आप अप्लाई करना चाहते हो। अप्लाई करने की प्रोसेस बहुत सिंपल है। यहां पे अगर आपने MHRD नेट्स पोर्टल, मतलब जो ग्रेजुएट है उनको MHRD नेट्स पोर्टल पे जाना होगा अप्लाई करने के लिए, जिसमें एस्टेब्लिशमेंट में आपको सर्च करना होगा RITES लिमिटेड। और अगर आप यहाँ पे डिप्लोमा हो, सॉरी यहाँ पे ग्रेजुएट एंड डिप्लोमा वालों को MHRD नेट्स, और अगर आप ITI से बिलोंग करते हो तो आपको जाना है apprenticeships.gov.in, उस पे जाके आपको यहाँ पे अप्लाई करना है। अब आपके पास यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया होना चाहिए। यहाँ पे फीस तो ये किसी भी तरह की नहीं ले रहे, लेकिन ये बहुत अच्छी बात है। अगर अप्रेंटिसशिप करना चाहते हो तो ये बहुत अच्छा मौका है, कर लेना चाहिए। और सबसे खास बात इस नोटिफिकेशन की है कि यहाँ पे किसी भी तरह का यहाँ पे रिटर्न एग्जाम नहीं लिया जा रहा है। आपका जो भी परसेंटेज है उस बेसिस पे आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा और आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। अगर इंटरव्यू वगैरह सब कुछ सही रहा तो आपको यहाँ पे जॉब डायरेक्टली मिल जाएगी, 1 साल के लिए आपको काम करना रहेगा। और इसमें एक और एलिजिबिलिटी कंडीशन है कि भाई अगर आपने 2017 या उसके बाद अगर आपने इंजीनियरिंग डिप्लोमा ITI किया हुआ है तो ही आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आपने उससे पहले किया हुआ है, दैट मींस 2016 पास आउट, 15 पास आउट यहां पे अप्लाई नहीं कर सकते। 17, 18, 19 वाले अप्लाई कर सकते हैं, 20 वाले पढ़ाई कर रहे हैं तो वो अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो बस ये बेसिक सी बात थी RITES की तरफ से जो अपडेट आई थी। आप में से कौन कौन अप्लाई कर रहे हो मुझे जरूर से यहां पे बताना। रिटन टेस्ट यहां पे नहीं होने वाली है, आपको इंटरव्यू के लिए डायरेक्टली शॉर्टलिस्ट किया जा सकता है अगर आपके परसेंटेज वगैरह अच्छे है तो। लास्ट डेट 31st है, मेरे हिसाब से यहाँ अप्लाई करना चाहिए। अप्रेंटिसशिप में एक्सपीरियंस मिल जाता है, कई बार एक्सपीरियंस एज अ अप्रेंटिसशिप अगर आपने की होती है तो उसको एज एक्सपीरियंस काउंट किया जाता है, तो एक सबसे बड़ा एड ऑन पॉइंट हो जाता है आगे चल के आप लोगों के लिए। तो बस इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जॉब अपडेट में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।